नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले वीडियो में हमने एनसी मशीन, सीएनसी मशीन और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम ME 304 के सब्जेक्ट सीएनसी एंड ऑटोमेशन के सब यूनिट 1.4 और 1.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एनसी मशीन ओवर कन्वेंशनल मशीन। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती है वो पारंपरिक मशीनों से किस प्रकार से, उनमें क्या फ़ायदा है, मींस एडवांटेज ऑफ एनसी मशीन ओवर कन्वेंशनल मशीन। फर्स्ट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी विद एक्यूरेसी। तो एनसी मशीन्स जो है उनकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन एनसी मशीनों में हम मैग्नेटिक टैप या टैप रीडर से प्रोग्रामिंग देते हैं और अपनी जो मशीन टूल है वो उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। तो इन मशीनों में जो है इनकी जो एक्यूरेसी है वो कन्वेंशनल मशीन, जैसे सिंपल लैथ मशीन, मिलिंग मशीन हम काम में लेते हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी एक्यूरेसी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इसमें फ़ायदा ये होता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। मीन्स अगर हमें मशीन में कुछ चेंजेजेस करने हैं, हमें मान लीजिए कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो जो है मार्केट में उसकी अलग डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें प्रोडक्ट की डिज़ाइन चेंज करनी है या उसके डायमेंशंस चेंज करने हैं, तो उसके लिए हमें जो है मशीन्स चेंज करनी पड़ेगी या मशीन की साइज में चेंज करना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल मशीन होगी तो हमें पूरी की पूरी मशीन है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी, लेकिन जब एनसी मशीन है अपने पास तो हमें सिर्फ उसमें एक प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसका जो मैग्नेटिक टैप रीडर्स है तो उसके जो टैप रीडर्स है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है हम पूरा मशीन टूल्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। सेकंड है रिड्यूस्ड स्क्रैप। कन्वेंशनल मशीनों में स्क्रैप जो होता है, जो अनवांटेड पार्ट होता है जॉब का, वो ज़्यादा होता है, लेकिन एनसी मशीनों में जो स्क्रैप होता है वो कम होता है। हाई प्रोडक्शन रेट। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो होती है उसमें प्रोडक्शन रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एनसी मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन से हाई स्पीड पे रन होती है, तो इन मशीनों में जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होता है। गुड क्वालिटी, जो कि ये मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन्स है तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, जो हमें डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलेगी, वो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो कन्वेंशनल मशीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मोर ऑपरेशन पर सेटअप। एक बार हमने एनसी मशीन में कोई सेटअप लगा दिया, उसके बाद में इसमें मोर ऑपरेशन हो सकते हैं। एनसी मशीनों में जो टूल है वो भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, और मशीन के एक सेटअप में ही जो है हम मोर ऑपरेशन कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल मशीनों में मशीन में जॉब लगा हुआ और मशीन वर्क कर रही है, तो कन्वेंशनल मशीन में एक जॉब ख़त्म होने के बाद दूसरे जॉब के लिए हमें जो है टूल चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम जॉब है उसमें हमें पहले ड्रिलिंग करनी है, तो हमने उसकी ड्रिलिंग कर ली, अब हमें उस जॉब के ऊपर मान लो अब हमें टर्निंग करनी है, तो हमें टूल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है मशीन भी चेंज करनी पड़े। तो इस प्रकार से टूल चेंज करने में कन्वेंशनल मशीनों में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एनसी मशीनों में जो टूल है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा और अपना जो है एक ही सेटअप में हम बहुत से ऑपरेशन कर सकते हैं। इजी मशीन एडजस्टमेंट। इन मशीनों में जो है जैसे जो है मशीनों में एडजस्टमेंट पॉसिबल है, अगर हमें मशीनों में कुछ वेरिएशन करना है तो हम प्रोग्रामिंग चेंज करके एनसी मशीनों में कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल मशीनों में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज मल्टी वर्क पॉसिबल। एनसी मशीन चूँकि ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, हम इसमें जो है एक ही मशीन्स जो है उसमें डिफरेंट टूल लगा कर हम जो है अलग ऑपरेशन कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल मशीनों में अगर हमें मिलिंग करनी है तो उसके लिए अलग मिलिंग होनी चाहिए, ड्रिलिंग करनी है तो अलग ड्रिलिंग मशीन होनी। तो इस तरह से एनसी मशीनों में एक ही मशीन है वो मल्टी वर्क कर सकती है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पेशल पर्पस मशीन। ऐसी मशीन
जो कि कुछ स्पेसिफिक वर्क करती है, उन्हें स्पेशल पर्पज़ मशीन कहते हैं और शॉर्ट में हम इन्हें बोलते हैं SPM. SPM इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोनेंट टू बी मैन्युफैक्चर्ड और मशीन. तो NC मशीन ऐसी मशीन होती है जैसा हमें कंपोनेंट बनाना है उस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो मशीन बनाई जाती है, जिसमें सिर्फ जो है एक ही कंपोनेंट के लिए एक मशीन सफिशिएंट हो, ऐसी मशीन स्पेशल पर्पस मशीन कहलाती है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट. हमें कोई स्पेशल प्रोडक्ट बनाना है, एक कंपनी है वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, तो उसमें अगर एक ही मशीन होगी तो वो मशीन जो है स्पेशल पर्पस मशीन कहलाएगी. और जनरली ये मास प्रोडक्शन में काम में लेती है, कंपनी होती है जिसमें रोज से एक प्रोडक्ट बन रहा है और एक प्रोडक्ट जो है एक ही दिन में हज़ारों एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं. तो कंपनी का एक फिक्स काम है, एक ही तरह के प्रोडक्शन करती है. तो मींस और एक ही तरह के प्रोडक्शन भी डेली के मास प्रोडक्शन मींस एक बल्क में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है. तो ऐसे केस में हम स्पेशल पर्पज़ मशीन काम में लेते हैं. SPM टूल्स आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेशल मशीन ऑपरेशन यूजिंग फॉर प्रोडक्शन पर्पज. तो स्पेशल ऑपरेशंस करने हो हमें जनरली मास प्रोडक्शन के लिए तो हम SPM मशीन काम में लेते हैं. इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला है गियर कटिंग और गियर ग्राइंडिंग. गियर कटिंग मशीन ऐसी मशीन होगी जो सिर्फ गियर कटिंग का काम करेगी. गियर ग्राइंडिंग मशीन जो सिर्फ जो गियर को ग्राइंडिंग करने के काम आएगी. ब्रोचिंग मशीन जो ब्रोचिंग ऑपरेशन होगी. लैपिंग एंड हॉर्निंग प्रोसेस, अगर हमें किसी जॉब पर लैपिंग एंड हॉर्निंग प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम लैपिंग हॉर्निंग मशीन काम में लेंगे. बोरिंग के लिए हम स्पेशल मशीन होगी उसे हम जिससे हम सिर्फ बोरिंग कर सकते हैं. ऑटोमेटेड प्रोडक्शन यूनिक टेक्निक्स आर वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर डीलिंग विद द इशू सच एज हाई कॉस्ट ऑफ द. तो ये SPM मशीन्स होती है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, इनका क्या करता है. फर्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. तो उस लेबर की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम SPM मशीन काम में लेते हैं. सेकंड, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल. अगर हमारे पास अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग मशीन्स होगी तो उसके लिए हम स्किल्ड पर्सन चाहिए, और अगर एक ही मशीन्स होगी तो उसके लिए हमें कम स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी. लो इंटरेस्ट ऑफ लेबर टू वर्क इन प्रोडक्शन फर्म्स. तो जनरली जो है वर्कर का इंटरेस्ट कम होता है प्रोडक्शन फर्म्स में काम करने के लिए, इसलिए हम जो है ये ऑटोमेटिक प्रोडक्शन टेक्निक काम में लेते हैं या स्पेशल पर्पस मशीन्स काम में लेते हैं. सेफ्टी के लिए भी, हाई कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हम SPM मशीन काम में लेंगे. तो या हम ऑटोमेटिक प्रोडक्शन टेक्निक काम में लेंगे तो जो है हम रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को बचा सकते हैं, क्योंकि इन मशीनों में स्क्रैप की मात्रा है वो कम होगी. अगर हमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी है उसके लिए भी हम SPM मशीन काम में लेते हैं. एडवांटेज SPM मशीन के एडवांटेज, पहला इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन रेट बढ़ जाती है क्योंकि एक मशीन एक ही टाइप का वर्क करती है. लेस टाइम कंज्यूमिंग टाइम है इनमें, कम लगता है. नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग कॉस्ट. तो SPM मशीन की जो सर्विसिंग और मेंटेनेंस लागत होती है, रखरखाव लागत होती है, वो कम होती है. सेकंड, नेक्स्ट है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन रेट. प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है और टूल की लाइफ होती है वो भी बढ़ती है. लेस कॉम्प्लिकेटेड, ये जो मशीन है चूँकि एक मशीन एक ही टाइप का वर्क करती है तो ये SPM मशीन है वो कॉम्प्लिकेटेड या कोई जटिल मशीन नहीं होती. ड्यूरेबिलिटी जो होती है उनकी हाई होती है, मीन्स ये जो मशीन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है. और एंड लास्ट इज इफेक्टिव इन मास प्रोडक्शन. इन मशीनों को हम जनरली मास प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं. लिमिटेशंस ऑफ SPM, जो स्पेशल पर्पस मशीन हम काम में लेते हैं इनकी क्या क्या लिमिटेशन होती है. पहली है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इन मशीनों की जो लागत होती है, शुरुआती लागत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. सेकेंड, लेस फ्लेक्सिबल. चूँकि ये मशीन एक फिक्स टाइप के प्रोडक्ट के लिए बनी होती है तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन है वो थोड़ा कम होता है. मीन्स इन मशीनों में अगर हम वेरिएशन करना चाहें तो वो वेरिएशन जो है वो कम पॉसिबल है. मोर कॉस्टली रनिंग, इनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज मोर स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड. चूँकि स्पेशल पर्पस मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन होती है तो हमें स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है.
थैंक यू।